हेलो बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन चलिए जल्दी से आ जाइए बेटा आज का हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और इसमें आपके दो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो चार दिए गए एनसीआरटी में लेकिन दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एनिमल टिश्यू एंड काक्रोच

स्टार्ट किया जाए काक्रोच डिटेल में हाँ बेटा काक्रोच में पढ़ा दूंगा अभी ठीक है मार्फोलॉजी चलो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट आपको दिया गया इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम जैसे अमीबा की अगर हम बात करते हैं ठीक अमीबा पैरामीशियम ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाई ए सिंगल सेल एक ही सेल पाई जाती है वही सारे काम करती है यानी वन मैन सो चलता है यहां पर इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेल्युलर एनिमल द सेम बेसिक फंक्शन आर कैरिड आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर लेकिन मल्टी सेल्यर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह की सेल पाई जाती है आप क्या करें जैसे हाइड्रा की बात की गई है हाइड्रा में अगर बात की जाए तो हाइड्रा में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती है लेकिन अमीबा में क्यों ही सेल पाई जाती है एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड और इन सेल का नंबर हजारों में हो सकता है अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होती और अगर सेल का एक्चुअल नंबर देखा जाए तो टेन टू पावर थर्टीन सेल हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में टेन टू पावर थर्टीन सेल प्रेजेंट होती हैं अब देखिए टिश्यू क्या होता है टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर एंड यूज़ुअली परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलर एनिमल ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एलोंग विद इंटर सेलर सब्स्टेंसेज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू तो एक सेल का जो ग्रुप है जैसे कई सारी सेल हैं, इनका जो ग्रुप है अगर इनकी ओरिजिन और फंक्शन सेम है तो इसी को हम क्या कहते हैं टिश्यू कहते हैं टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी टिश्यू की स्टडी के लिए हिस्टोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी टर्म यूज किया जाता है हिस्टोलॉजी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी अब अगर हम एनिमल की बात करें बेटा तो एनिमल में चार तरह के टिश्यू पाए जाते हैं ठीक फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल क्या कोई मुझे बता सकता कि प्लांट में कितने तरह के टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल में हमारी बॉडी में जो चार तरह के टिश्यू लेकिन एक मैंगो प्लांट की अगर बात करें तो मैंगो प्लांट में कितनी तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल शुभम फिरदोश शासुतोष, धीरू पटेल रियांसी चौरसिया बिल्कुल सही बेटा दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं नाम बता सकते हैं आप उनके प्लांट में जो दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं उनके नाम क्या होंगे जल्दी से बताइए हम्म ठीक अब टिश्यू क्या करते हैं बेटा ये जो टिश्यू होते हैं ये आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं जैसे स्टमक लंग हार्ट किडनी ये सब अलग अलग तरह के ऑर्गन है तो सेल से टिश्यू बनते है टिश्यू से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है अब करे कि जो ऑर्गन होता है कोई भी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो ऑर्गन में एक या एक से ज्यादा तरह के टिश्यू पाए जाते हैं जैसे अगर हर्ट की बात करें तो हमारे हार्ट में चारों तरह के टिश्यू होते हैं ये ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है ना क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये लगता है कि हमारा हार्ट तो कार्डिक मसल से बना है तो उनको लगता है हार्ट में तो मस्कुलर टिश्यू होना चाहिए लेकिन हमारे हार्ट मस्कुलर न्यूरल चारों तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अच्छा राहुल ने सही आंसर किया है मेरेस्टमैटिक एंड परमानेंट दो तरह के टिश्यू प्लांट में होते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं अभिषेक ने सही आंसर किया है विजय लक्ष्मी ने सही आंसर किया सालिनी का आंसर सही प्रदीप का आंसर सही है सुमन चौहान ने सही आंसर किया कुछ बच्चे सिंपल और परमानेंट आंसर कर रहे हैं कुछ सिंपल और कंपाउंड आंसर कर रहे हैं नहीं मेरिस्टमैटिक और परमानेंट दो तरह के टिश्यू प्लांट में होते हैं एनिमल में चार तरह के टिश्यू पाए जाते हैं ठीक है टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो इससे ऑर्गन सिस्टम बनता है तो इसका मतलब हायरेरिकी कुछ ऐसी सेल से क्या बने सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ टिश्यू से क्या बना ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ और ऑर्गन से क्या बना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है हायर की होती है और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बन जाती हुई क्लियर अच्छा फिरदोस करिए सर मैंने भी सही किया बिल्कुल बेटा ज्यादातर बच्चों ने सही किया है ठीक अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्लेज ए सर्टेडनेबल ट्रेंड दैट इज ने इवोल्यूशनरी ट्रेंड जब चैप्टर फोर मैंने आपको पढ़ाया था एनिमल किंगडम तो एनिमल किंगडम में चार लेवल में ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया गया था एक था सेलुलर लेवल दूसरा था टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तीसरा था ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन और चौथा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये चार लेवल का ऑर्गेनाइजेशन आपको बताए गए थे ना गया लेवल टिश्यू लेवल ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम लेवल सेलर लेवल कहां पर था पोरीफेरा में टिश्यू लेवल और टीनोफोरा में ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमेंथ में था और ऑर्गन सिस्टम लेवल एसमेंथ से कॉर्डेटा के लेवल में था यानी अगर आप इधर से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ये इवोल्यूशन का ट्रेंड होता है वही लिखा यहां पर इवोल्यूशनरी ट्रेंड या डिस्क्रिनेबल ट्रेंड के नाम से जाना जाता है अब आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सबसे पहले हम एनिमल टिश्यू में सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात करने वाले हैं ठीक है तो चार तरह के टिश्यू आपको बताएंगे एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड न्यूरल अब यहां पर सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे उसके पहले ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू हैं जितने भी ऑर्गन हैं, वो तीन तरह की जर्म लेयर से बने एक्टोडर्म मिजोडर्म एंडोडर्म अब एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो इसकी ओरिजिन एक्टोडर्म मीजोडर्म या एंडोडर्म में, में से कहीं से भी हो सकती है ठीक है लेकिन कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू की जो ओरिजिन है ये मीजोडर्म से होती है और जो नर्वस टिश्यू की ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से होती है ध्यान से सुनिएगा एपिथेलियल टिश्यू की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म मीजोडर्म में से कहीं से भी हो सकती है कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों मीजोडर्मल है और न्यूरल टिश्यू यानी हमारा ब्रेन एक्टोडर्मल ओरिजिन का है हमारी मसल मीजोडर्मल ओरिजिन की है ब्लड मीजोडर्मल ओरिजिन का क्योंकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और जो मसल है वो मस्कुलर टिश्यू एग्जाम्पल हो जाएंगे क्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ चलो तो हां पीडीएफ तो मिल जाएगी बेटा पीडीएफ तो मिल ही जाएगी चलो देखते हैं आगे अब कह रहे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथेलियम भी कहते हैं और प्लूरल फॉर्म में एपिथेलिया कहा जाता है ठीक है दिस इज द फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू यानी इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले चारों टिश्यू में से एपिथेलियल टिश्यू बना था एंड फर्स्ट फॉर्मड इन एम्ब्रियो हमारी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब मां के अंदर हम डेवलप हो रहे थे तो यही टिश्यू सबसे पहली बार बना था ठीक है दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस इस टिश्यू में एक फ्री सरफेस पाई जाती है विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड मतलब ब्लड या लिम्फ और द आउटसाइड एनवायरमेंट जैसे कि स्किन एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी जिससे हमारी स्किन हमारी बॉडी को कवर करने का, का काम करती है और हमारी स्किन एक एपिथिलियम का एग्जाम्पल होती है ठीक है सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलर मेटीरियल इंटरसेलर मेटीरियल यानी सेल के बीच का जो मेटीरियल होता है उसे इंटरसेलर मेटेरियल मैट्रिक्स कहते हैं वो यहां पर लिटिल होता कम पाया जाता है ना लिटिल इंटरसेलर मेटीरियल और कह रहे हैं एपिथिलियल टिशल आर यूजली रेस्ट ऑन थिन नॉन सेलर बेसमेंट मेम्बरे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती इसी के ऊपर जो एपिथेलियल सेल हैं ये प्रेजेंट होती है लिखा है मतलब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट भी होती है अब कह रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होते हैं ठीक दो तरह के एक को कहते हैं सिंपल एपिथेलियम और एक को कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम तो टिश्यू बॉडी में चार तरह का है एपिथेलियल टिश्यू दो तरह का सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम क्या होता है सिंपल एपिथेलियम में सेल की एक लेयर पाई जाती है जैसे ये आपको फिगर दिखाया गया है ये सिंपल एपिथेलियम का है और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज डूब यह लाइनिंग किनारा बनाने का काम करता है कंपाउंड एपिथिलियम की अगर बात करें, ये हो गई। इस एक लेर अगर दिखाई गई तो सिंपल है अगर एक से दिखाएगे, तो कंपाउंड एपिथिलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेर यानी दिस इज मल्टीलेयर एपिथिलियम एंड हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका काम प्रोटेक्शन होता है सिंपल का काम क्या है लाइनिंग किनारा बाउंड्री बनाना और इसका काम है प्रोटेक्शन जैसे कि स्किन की बात करें हमारी स्किन हमें पैथोजन से एनवायरमेंट से बचाने का, का काम करती है और हमारी स्किन एक बैरियर की तरह काम करती है कौन सा बैरियर कमेंट करके आप जल्दी से बताएंगे आप हाँ, मार्क वाला पीटीएम मिल जाएगा बेटा मार्क वाला पीटीएम मिल जाएगा चलो अब आगे बढ़ते हैं अब कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पर सिंपल एपिथीलियम कितनी तरह की हो जाएगी तीन तरह की सिंपल एपिथीलियम होगी क्यूबॉइडल एंड ये तीन तरह की सिंपल एपिथीलियम होगी की अगर हम बात करें तो स्कमस एपिथीलियम में फ्लैटेंड सेल पाई जाती हैं यहां पर फ्लैटेंड सेल पाई जाती हैं विद इेगुलर बाउंड्रीज कहां पाई जाती है यह याद करना है ये पाई जाती हैं वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर्टरी वेन इन सब में पाई जाएंगे है ना एयर सैक ऑफ लंग में और इनका काम क्या होता है इनका काम होता है डिफ्यूजन बाउंड्री का फॉर्मेशन करना यानी ये डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होते हैं ये आपको दिखाया गया है दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथिलियम ठीक क्यूबॉडलियम की अगर हम बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथिलियम में क्यूब लाइक सेल पाए जाते हैं ना यहाँ पर क्यूब लाइक सेल प्रेजेंट होती हैं जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं दिस इज द क्यूबॉइडलियम यहां पर Two black आपको दिखाई दे रही पर पाई जाएंगी ट्यूबुलर पार्ट मतलब पीसीटी और डीसीटी ट्यूबुलर पार्ट हो जाएंगे और इनका काम क्या है सिक्रीशन एंड का काम डिफ्यूजन इनका काम सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन अब करें कि जो PCT में डल एपिथिलियम होती है वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं देखिए पीसीटी में क्यूबार्डल एपिथिलियम में माइक्रोविलाई होते हैं लेकिन डीसीटी में क्यूबार्डल एपिथिलियम है विदाउट माइक्रोविलाई ये पॉइंट भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा ठीक है, है हाँ फिजिकल बैरियर स्किन एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है विक्रम आस्तोस फिर प्रगति बिल्कुल सही आंसर है बेटा चलो अब आते हैं कॉलोमनर एपिथिलियम कॉलोमनर एपिथिलियम में क्या होता है टॉल एंड सिलेंडर सेल होती है यानी लंबी और पतली सेल होती है यहाँ लंबी पतली सेल होती है। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रही है टॉल सेल टॉल एंड सिलेंडर लंबी और पतली सेल पाई जाती है लंबी और पतली जैसे कि ऐश्वर्या राय जैसे कि सुष्मिता सेन की बात करें तो टॉल एंड सिलेंडर देयर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एट द बेस इनका न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर पाया था यह भी इंपॉर्टेंट है फ्री सर्फेस मे है माइक्रोविलाई वही तो क्यूबाइडल में माइक्रोविलाई थी यहां पर भी माइक्रोविलाई हो सकती है कहां पर मिलेंगी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाई जाएंगी अब कोई मुझे बताएगा स्टमक और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग का नाम क्या है उस लाइनिंग को कहते क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए काम क्या है सिक्रीशन एंड जो क्यूबॉइडल का काम है, वही का काम है है वही का इंटेस्टाइन क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं और फूड को एब्जॉर्ब करते हैं क्लियर यस म्यूकोशा कहते हैं बिल्कुल सही नीतू रुखाना आशुतोष शुप्रिया, फ्यूचर डॉक्टर श्वेता हर्षित उजाला प्रियंका बिल्कुल म्यूकोशा का नाम दिया जाता है तो ये चलिए अब देखिए अब यहां पर एनसीआरटी में सिलेटेड एपिथिलियम के बारे में बताया गया सिलेटेड एपिथिलियम स्क्वेमस कभी नहीं बनाती ये ध्यान रखिएगा अगर कॉलोमर या क्यूबॉइडल सेल के ऊपर सिलिया प्रेजेंट हो तो उन्हें सिलिएटेड एपिथीलियम कहा जाता है कहां मिलेंगे एंड फेलोपियन ट्यूब कल मैंने आपको धाकड़ बैच में क्वेश्चन कराया था वैसे क्वेश्चन आज का था लेकिन कल एनाटॉमी के साथ हमने क्वेश्चन किया था तो ब्रॉक्योल फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होती है चलिए अब देखिए अब अगर दूसरी बात अगर क्यूबॉइडल या कॉलोमनर सेल सिक्रीशन करने लगे तो इन्हें ग्लैंडुलर एपिथीलियम कहते हैं ठीक क्या कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। अगर क्यूबॉइडल या कॉलमनर सेल के ऊपर सिलिया हो तो सिलियेटेड एपिथीलियम। अगर वो सिक्रीशन करने लगे तो उनका नाम ग्लैंडुलर एपिथीलियम हो जाएगा और ये दो तरह की हो जाएंगी एक होंगी यूनिसेलर ग्लैंड और दूसरी होंगी मल्टी ग्लैंड का एग्जाम्पल क्या का है यूनिसेलर का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और मल्टी सेलर का एग्जाम्पल है सिलाईवरी ग्लैंड तो दो तरह की ग्लैंडुलर एपिथिलियम के एग्जाम्पल एनसीआरटी में दिए गए हैं ये यूनिसेलर गॉबलेट सेल आपको दिखाई गई और ये मल्टी सेलर आपको दिखाई गई दोनों आपको याद करने अब जो गॉबलेट सेल होती हैं, इन्हें म्यूकस सेल भी कहा जाता है और ये म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करती हैं, जो फूड को आसानी से पास होने देता है और म्यूकोसा को प्रोटेक्ट भी करता है ठीक है अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन पोरिंग का मतलब सिक्रीशन को भेजना डालना ग्लैंड आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है सिक्रीशन को कहां पे डालती हैं डक्ट के द्वारा ले जाती या ब्लड में के हर पे दो तरह की ग्लैंड होंगी एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट पाई जाती है ठीक दिस प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट और ट्यूब तो इन्हें डक्टेड ग्लैंड कहा जाता है क्या सिक्रीट करते है म्यूकस को सिक्रीट करने वाली अभी पढ़ा म्यूकोसाइट या गॉबलेट सेल सिलाईवा को सिक्रीट करने वाले सिलाई ग्लैंड ईयर वैक्स ऑयल मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम है ना एंड अदर सेल प्रोडक्ट तो अगर इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा अच्छा कोई मुझे बताएगा ईयर वैक्स को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड को क्या कहते हैं ईयर वैक्स को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड को क्या कहते हैं उजाला करें कि सर थोड़ा स्लो चलें और भावेश करें सर फास्ट पढ़ाओ अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाई जाती इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है और इनके प्रोडक्ट को हार्मोन कहते हैं और इस हार्मोन को सीधे कहां पर डाल दिया जाता है ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है ईयर वैक्स सिबेसियस नहीं होता बेटा ईयर वैक्स वाली जो होती है उन्हें कहते हैं सेरुमिनस इन्हें सेरुमिनस कहा जाता है सेरुमिनस ग्लैंड सेरुमिनस ग्लैंड हां आशुतोष शशांक नीतू प्रगति कई सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर किया जो ऑयल को सिक्रेट करने वाली होती है वो सीबेसियस होती है ठीक है सीबम को या ऑयल को सिक्रेट करती हैं अब आते हैं कंपाउंड एपिथीलियम जो सिंपल एपिथिलियम थी यूनिलेयर थी एक सेल की लेयर पाई जाती थी कंपाउंड एपिथिलियम इज मल्टीलेयर यहां पर एक से ज्यादा सेल की लेयर पाई जाती है और इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में सिंपल तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लेकिन कंपाउंड एपिथिलियम का रोल लिमिटेड हो जाता है काम क्या होता है इनका द मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मकैनिकल स्ट्रेसेस जैसे हमारी स्किन हमें केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाती है कहां पर पाई थी ड्राई सरफेस ऑफ स्किन हमारी स्किन जो है ये कंपाउंड एपिथीलियम है द मोस्ट सरफेस ऑफ बक्कल इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक ये इंपॉर्टेंट है जो सिंपल एपिथीलियम वो जनली डक्ट में ग्लैंड में पाई जाती है लेकिन जवाब से पूछा जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट तब आपका आंसर होगा कंपाउंड एपिथिलियम कोई बता सकता है पेनक्रियाटिक पेनक्रियाटिक डक्ट का, नाम, का नाम कोई बताता है शिवानी बेटा बड़ी जल्दी आ गए ये कंपाउंड एपिथिलियम का फिगर आपको दिया गया जहां पर सेल की कई सारी लेयर आपको भी आ रही है यहां पर है ना अब एक एपिथिलियम ऐसी होती जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती इसे कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथिलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन ना होने की वजह से यहां पर काफी ज्यादा खिंचाव हो सकता है डिस्टेंशन हो सकता है कहां पर पाई जाएंगी वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर स्टेंशन डक नहीं कहते हैं डक्ट ऑफ विरसंग कहा जाता है यस yes, बिल्कुल सही विरसंग डक्ट का नाम दिया जाता है बिल्कुल रुकसाना शशांक आशुतोष धीरू इसे डक्ट ऑफ विरसंग का नाम दिया जाता है बिल्कुल सही हम्म वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ट्रांजिशनल एपिथिलियम के लिए एनसीआरटी में दिया नहीं गया आपको अब बात करते हैं जंक्शन के बारे में ठीक है तीन तरह के देखिए यहां पर पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा कि लगभग सभी एनिमल टिश्यू में तीन तरह के जंक्शन पाए जाते हैं ठीक है कौन कौन से जंक्शन होके एक होता है टाइट जंक्शन एक होता है एडहेरिंग जंक्शन और एक होता है गैप जंक्शन टाइट जंक्शन का काम किया टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू ये हमारी स्किन में पाया आप सोचिए कि हमारी जो स्किन है स्किन से ब्लड बाहर नहीं आ सकता जब हमारी स्किन कट जाती तो ब्लड बाहर आने लगता है लेकिन नॉर्मली स्किन से ब्लड बाहर नहीं आता क्योंकि स्किन एक टाइट जंक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा फिर कह एडरिंग जंक्शन क्या करता है परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टूगेदर जैसे सीमेंट के द्वारा दो ईटों को आपस में जोड़ दिया जाता है और बिल्डिंग बन जाती है वैसे ही एडहरिंग जंक्शन हमारी सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है और तीसरा है गैप जंक्शन नाम ये बता रहा है कि जब ये गैप जंक्शन दो सेल को आपस में कनेक्ट करेगा तो उनके बीच गैप बन जाएगा और इस गैप की वजह से क्या होगा रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल एंड टाइम बिग मॉलिक्यूल तो ये कम्युनिकेट सेल टू ईच विधि गैप जंक्शन के द्वारा दो सेल आपस में कम्युनिकेट करती हैं क्लियर अब आ गए कनेक्टिव टिश्यू पहला टिश्यू आपका एपिथेलियल कंप्लीट हो गया कनेक्टिव टिश्यू की बात करें दिस इज मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू अच्छा कोई बता सकता प्लांट में सबसे अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है एनिमल में तो कनेक्टिव टिश्यू सबसे अबंडेंट हो गया प्लांट में कौन सा टिश्यू सबसे हम्म hmm. सुमन हर्ष प्रियांशी, प्रियंका नीतू बहुत बढ़िया पैरम काइमा टिश्यू तो दिस इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी मतलब सबसे ज्यादा जगह पर भी यह पाया जाता है अब कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है नाम इसलिए कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इनका काम ही है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ये जोड़ने का काम करते तभी तो नाम है कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अब इसी कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज को बोन को और ब्लड को इंक्लूड किया जाता है जो कि स्पेशल टाइप के होते हैं अब इनको हम डिस्कस भी करेंगे अब जितने जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ब्लड को छोड़कर ठीक ब्लड को छोड़कर वो क्या करते हैं हर टिश्यू की सेल कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़कर जितने भी टिश्यू हैं सबकी सेल सीक्रेट करती हैं फाइबर्स कोलेजन फाइबर इलास्टिन फाइबर फाइबर कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन ठीक है दिस फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ मजबूती इलास्टिसिटी प्रत्यास्था एंड फ्लेक्सीबिलिटी लचीलापन प्रोवाइड करते हैं ठीक है अब देखिए दीज सेल ऑल्सो सिक्रिट मोडिफाइड पॉलिसाइक्राइड विच एकुमुलेट बिट्वीन सेल एंड फाइबर एंड एक्ट एज ए मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस द मोस्ट कॉमन ग्राउंड सब्सटेंस इज द हाइलोरॉनिक एसिड म्यूकोपोलीसेक्राइड होता है अब आपने पढ़ा एपिथिलियल टिश्यू दो तरह के थे सिंपल एंड कंपाउंड कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के होते हैं एक को कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू एक को कहते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एक को कहते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिविट्यूब से पहले हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम चिल्ला रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा बेटा सेल्स एंड फाइबर लूजली अरेन्ज सेल और फाइबर लूजली अरेंज होंगे जैसे एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोस टिश्यू ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं ठीक एरियोलर और एडिपोस टिश्यू ये दो हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं ठीक है थीक? अब देखो एरियोलर टिश्यू मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव है कनेक्टिव में सबसे ज्यादा एरियोलर टिश्यू है एंड दिस इज प्रेजेंट बिनिथ द स्किन हमारी स्किन के नीचे है जस्टी, और क्या है 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 और और स्किन स्किन क्या एक एक टिश्यू टिश्यू उसके नीचे एरियोलर है जो कि कनेक्टिव क्लियर थोड़ा सा इमेजिन भी करिएगा इस चीज को ऑफन इट सर्व एज ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर एपिथिलियम ये एपिथिलियम के नीचे और उसके लिए एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क उसके लिए एक ढांचा तैयार करता है जैसे हमारी बॉडी का ढांचा बोन और कार्टिलेज ने बनाया वैसे ही हमारी एपिथीलियम हमारी स्किन का ढांचा एरियोलर टिश्यू ने तैयार किया है एरियोलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नाम की सेल होती है जो फाइबर को सिक्रीट करती हैं मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल पाई जाती हैं अगर तो ये दिया गया और आपके नीट में पूछा गया और मैंने एनटीए में भी अभी आपको कराया था ये देखिए ये जो आपको दिखाई गई ये मैक्रोफेज है ये आपको ग्रीन कलर वाली फाइब्रोब्लास्ट दिखाई गई और इससे कोलेजन फाइबर आपको दिखाई गए और ये आपको मास्ट सेल दिखाई गई तो ये पूरा फिगर अच्छी तरीके से आपको कंठस्थ होना चाहिए ठीक है अब देखिए दूसरा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो एडिपोज टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के एडिपोज और एरियोलर दोनों ही दोनों ही स्किन के नीचे पाए जाते हैं और इनका काम क्या है फैट को स्टोर करने का काम करते हैं अगर जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिएंट हम खाते हैं तो उन्हें फैट में कन्वर्ट करके एडिपोस टिश्यू के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और एडिपोस टिश्यू जो होता है अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसी को हम ओबेसिटी यानी मोटापे के नाम से जानते हैं ये एडिपोस टिश्यू दिखाई गए जहां पर फैट स्टोरेज एरिया आपको यहां दे रहा है अब आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू लूज कंप्लीट हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा यहां पर सेल और फाइब्रोब्लास्ट जो हैं है ना फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे अब अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का एक है है डेंस डेंस रेगुलर और एक इरेगुलर ठीक है डेंस डेंस रेगुलर और इरेगुलर अब डेंस रेगुलर की अगर हम बात करें ये से फिगर आपको दिखाया गया डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास दो एग्जाम्पल है एक है टेंडन और लिगामेंट ठीक टेंडन और लिगामेंट ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं डेंस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो टेंडन होता है बेटा टेंडन अटैच करता है मसल को बोन से और लिगामेंट जो होता है ये एक बोन को दूसरी बोन से अटैच करता है इसका निमोनिक होता है बल्ब ऐसे लिखना बल्ब ठीक है बल्ब तो लिगामेंट बोन को बोन से अटैच कर देता है और जो टेंडन होता है ये बोन को अटैच करता है किसके साथ में मसल से तो एक चीज याद रखोगे कभी गलत नहीं होगा ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंडन एंड लिगामेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ द डेंस इेगुल डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है अब आते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये हमारी स्किन में पाए जाते हैं तो स्किन में कौन है स्किन में एरियोलर टिश्यू है स्किन के नीचे एडिपोस टिश्यू है और स्किन में ही आपका डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसका फिगर यहां पर दिखाया गया है ठीक है अब आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तीन है कार्टिलेज बोन और ब्लड देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास एरियोलर टिश्यू एडिपोस टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन लिगामेंट है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो, तीन है कार्टिलेज, बोन और ब्लड अब अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में जो इंटरसेलर मेटीरियल है सेल के बीच में वो सॉलिड और प्लीएबल होता सॉलिड एंड प्लीएबल प्लेबल का मतलब लचीला है और इस टिश्यू के सेल को कॉन्ड्रोसाइट का नाम दिया जाता है जो कि स्मॉल कैविटीज के अंदर थी जैसे ये फिगर आपको दिखाया गया है यहां पर ये कार्टिलेज की सेल दिखाई गई जिन्हें कॉन्ड्रोसाइट का नाम देता है ठीक अब ज्यादातर जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में दीज आर रिप्लेसड बाई बोन इन एडल्ट मतलब कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में कार्टिलेज ज्यादा होते हैं एडल्ट स्टेज में कम हो जाती हैं क्योंकि बोन से रिप्लेस कर दी जाती है कहां पर मिलेंगी कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज टिप पर आप देखिए इसको आप फोल्ड कर सकते हैं आउटर ईयर जॉइंट आउटर ईयर में आपको मिल जाएगा बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लिम्स एंड हैंड ऑफ एडल्ट तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बोन की बात करें इन्हें वर्टिब्री कहते हैं और इन वर्टिब्री के बीच बीच में कार्टलेस पाई जाती है इस कार्टलेस का अगर नाम आप बताना चाहें तो बता सकते हैं यही लिखा है बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ कॉलम ये जो आपको दिखाई गई है इस कार्टलेज का नाम क्या है आप बता सकते हैं ठीक बोन की बात करें देखो कार्टलेस प्लीएबल थी लेकिन बोन कैसी है नॉन प्लिएबल और इसमें जो मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस दिस इज रिच इन कैल्सियम सॉल्ट ठीक है कैल्सियम सॉल्ट और इसी की वजह से बोन में स्ट्रेंथ आती है और कोलेजन फाइबर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ठीक कोलेजन फाइबर भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी हम कैसे दिखाई देंगे हम कैसे नजर आएंगे वो हमारे बोन के ऊपर डिपेंड करता है यानी बोन हमारी बॉडी का मुख्य ढांचा तैयार करता है जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो पहले आप देखते हैं सरिया से पिलर बनाए जाते हैं छत बनानी तो पहले सरिया डाली जाती है तो वही ढांचा है उसके बाद उसमें सीमेंट उमेंट भर दी जाती है तो ऊपर वाले ने भी पहले हमारी हड्डियों को बनाया और उसके बाद स्किन है ना मसल ये सब भर दी और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो गया इसका नाम क्या है हा इंटर कैलेटेड नहीं कहते बेटा अल्पना दैट इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टिश्यूज एंड ऑर्गन जैसे अगर हम बात करें में तो हमारी जो रिब होती है बेटा ये प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट को लंग्स को और जो फ्लोटिंग रिब होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी को बोन की सेल फिगर भी आपको दिखाया गया यहां पर चलो अब देखो द बोन सेल यानी ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन ए स्पेस कॉल लैकुनी। लैकुनी नाम के स्पेस में बोन सेल प्रेजेंट होती हैं। अब लिम्ब बोन लिंब मतलब हाथ पैर की बोन सच एस द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग लेग में जो लॉन्ग बोन है जैसे अगर हम फीमर की बात करें टीबिया फिबुला की बात करें सर्व वेट बियरिंग फंक्शन हमारी बॉडी का वजन इन्हीं के ऊपर होता है और घुटने की दर्द तब शुरू होती है जब बॉडी का वजन ज्यादा हो क्योंकि बॉडी का पूरा वजन कहां पे आपके पैरों के ऊपर है जब आप चलते हैं तो आपके घुटने मुड़ते हैं अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है किसी के पैरों में दर्द हो रहा मतलब है मतलब ओवर वेट है तभी घुटने की दिक्कतें स्टार्ट होती हैं ठीक है अब देखो दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल कह रही बोन स्केलेटल मसल से इंटरेक्ट होती है हो। और इनको कौन इंटरेक्ट कराता है ये कमेंट करके आप मुझे बताओगे ठीक है द बोन मैरो इन समझ ज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल जितनी भी ब्लड सेल हैं वो बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ब्लड इज ए फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ठीक तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड जो कि फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें दो चीजें होती हैं प्लाज्मा और सेल सेल कौन है आरबीसी डब्ल्यू और प्लेटलेट तो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में अभी तो बताए बेटा स्केलेटल मसल को बोन से कौन अटैच करेगा दैट इज द टेंडन, लिगामेंट क्यों करो बेटा लिगामेंट का कोड बताया कि लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है यहां पर मैंने पूछा स्केलेटल मसल को स्केलेटल मसल को कौन बोन से अटैच करता है तो यहां पे आंसर हो जाएगा टेंडन नॉट द लिगामेंट ठीक है नॉट द लिगामेंट द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टेंसेज इज ब्लड ब्लड हमारी बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है कौन कौन से सब्सटेंस हैं नाम बताएं आप आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट का फिगर भी आपको यहां पर दिया गया है तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू यहां पर कंप्लीट हो गया अब आते हैं तीसरे टिश्यू पे दैट इज कॉल्ड मसल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू ऑक्सीजन गैसेस इन सब सबका ट्रांसपोर्ट ब्लड के द्वारा किया जाएगा चलो अब आते मस्कुलर टिश्यू मस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो एक मसल की अगर हम बात करें तो मसल जो होती है बहुत सारे सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बनी होती है और ये जो फाइबर होते हैं ये बहुत सारे फाइब्रिल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें है मायोफाइब्रिलिया मायोफिलामेंट कहा जाता है ठीक है मायोफाइब्रिलिया मायोफिलामेंट का नाम दिया जाता है अब जो मसल फाइबर होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन जिसकी मैकेनिज्म लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे आप और इसकी थ्योरी बता सकते हैं मसल कॉन्ट्रेक्शन की जो मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया था कौन सी थ्योरी थी चलो अब देखो मसल जो होती हैं ये तीन तरह की होती हैं एक होते हैं स्केलेटल मसल एक होते हैं स्मूथ मसल और एक होते हैं कार्डिक मसल अब जो स्केलेटल मसल है नाम स्केलेटल क्यों है क्योंकि दीज आर क्लोजली अटैच विद द स्केलेटल बोन क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं ठीक है हाँ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ठीक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ठीक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ओके ठीक है अब अगर हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं तो स्केलेटल मसल का एग्जाम्पल है बाइसेप्स बाइसेप ये वाली ये वाली जो मसल आपको दिखाई देती है इसी को हम क्या कहते हैं बाइसेप और नीचे वाली को क्या कहते हैं ट्राइसेप कहते हैं ना तो बाइसेप मसल जो ये ऊपर वाली दिखाई देती है ये स्केलेटल मसल है क्योंकि हम अपनी इच्छा से इसमें कॉन्ट्रेक्शन करा सकते हैं स्केलेटल मसल के अलावा कोई भी दूसरी मसल स्मूथ या कार्डिक में अपनी इच्छा से हम कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा सकते हैं क्लियर तो बाइसेप मसल एक स्केलेटल मसल है और ये स्ट्रिएटेड स्ट्रिएटेड होती है estriated का मतलब इनमें धारियां पाई जाती हैं जो स्केलेटल मसल होती है आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से धारियां पाई जाती हैं इन्हें स्ट्रिएशन का नाम दिया जाता है दूसरा जाते हैं यहां पर स्मूथ मसल स्मूथ मसल की बात करें तो आर टेपर एट एंड यानी फ्यूजी फॉर्म होते हैं और इनमें स्ट्रिएशन नहीं पाए जाते हैं ठीक है स्मूथ मसल ये आपको दिखाएगी फ्यूजी फॉर्म का मतलब है कि दोनों किनारों पर इस तरीके से सकरी होती हैं ऐसे और इनमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं स्मूथ मसल का नाम दिया जाता है कहां पर पाई जाएंगी वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल स्टमक एंड इंटेस्टाइन में इस तरह की मसल प्रेजेंट होती है इसीलिए स्टमक और इंटेस्टाइन में अपनी इच्छा से आप कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा सकते अच्छा भाई से मस्त है चलो ठीक है जो स्केलेटल मसल होती वॉलेंट्री होती लेकिन स्मूथ मसल कैसे वॉलेंट्री है क्योंकि डायरेक्टली इनको अपनी इच्छा से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाई थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद द स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल में अपनी इच्छा से अपनी सोच से हम कॉन्ट्रेक्शन करा सकते हैं लेकिन स्मूथ मसल से अपनी सोच से हम कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा सकते अब आते हैं कार्डिक मसल कार्डिक मसल आर प्रेजेंट ओनली इन द ये केवल और केवल हर्ट के अंदर प्रेजेंट होती है ठीक है केवल और केवल हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है जैसे आपको दिखाया गया अब कार्डिक मसल की जो सेल होती है उन सेल के बीच में देखिए जंक्शन बन जाते हैं ना सेल के बीच में जंक्शन इस तरीके से बन जाते हैं और इन जंक्शन को कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकलेटेड डिस्क जो होते हैं इनकी वजह से जो सेल होती हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती हैं एंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब अगर मैं इस सेल को एक, को एक स्टिमुलस दूं अगर इस सेल को इस स्टिमुलस दूं तो सारी सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी यही यहां पर लिखा है वेन वन सेल रिसीव ए सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट अगर एक सेल को सिग्नल मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट करने का इट नेबर्स इसकी पड़ोसी सेल आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट पड़ोसी सेल में भी कॉन्ट्रेक्शन होगा इसीलिए जब एस ए राइट एट्रियम को संदेश देता है कॉन्ट्रैक्ट करने का तो लेफ्ट एट्रियम भी उसी समय कॉन्ट्रैक्ट करता है अब आते हैं चौथे टिश्यू पे दैट इज द न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है वो न्यूरल टिश्यू का है न्यूरल टिश्यू की यूनिट को कहते हैं न्यूरॉन्स ठीक है न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम न्यूरोन का एक नाम और होता है आप जल्दी से बताइए एक्साइटेबल सेल एक्साइटेबल सेल का मतलब होता है कि अगर इनकी मेम्ब्रेन में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज पाया जाए और एक तरफ निगेटिव चार्ज पाया जाए तो हम कहेंगे दीज आर एक्साइटेबल न्यूरोग्लिया दूसरी सेल होती है विच कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरोन ठीक न्यूरोग्लिया न्यूरोन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है एंड न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन वन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सुफियान बेटा नर्व फाइबर नहीं कहते हैं नर्व सेल कहते हैं ठीक है न्यूरोन को नर्व सेल भी कहा जाता है ये न्यूरल टिश्यू आपको दिखाई गए जहां पर यह जो आपको दिखाई गई ब्लैक कलर से इनको न्यूरोग्लिया का नाम दिया जाता है है ना ये आपको डेंड्राइट्स दिखाए गए हैं यहां पर सेल बॉडी और ये आपको मोटा सा एक्सॉन यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है इसकी डिटेल न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम डिस्कस करेंगे अर्थवर्ण तो आपको पढ़ना नहीं है है ना काक्रोच आपको मैं पढ़ा देता हूं एनिमल हो गया देखिए सबसे पहले काक्रोच की अगर हम बात करें तो दीज आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स इनका क्लास इंसेक्टा होता है फाइलम में इन्हें रखा गया है ठीक है साइज की अगर बात करें तो साइज इनका 0.25 इंच से लेकर 3 इंच तक हो सकता है ठीक है और क्या खास बात है दे आर नॉकटर्नल ओमनी और नॉकटर्नल है उल्लू की तरह रात में निकलते हैं और ओमनी और मतलब सर्वाहारी हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह की हैबिट इन में पाई जाती है तो ऑमनी ओरस हो जाएंगे दे लिव इन डैम्प प्लेसेस डैम प्लेसेस मतलब जहां पर नमी होती किचन में आप देखिए जहां पर बर्तन धुले जाते हैं उस जगह पर आपको काक्रोच मिल जाएंगे जहां पर नमी स्टोर हाउस है जहां पर नमी होगी डैम प्लेसेस वहां पर पाए जाएंगे दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स एंड दस आर द सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजे सीरियस पेस्ट पेस्ट वो है जो हमारी फसलों को हमारे पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाए और यह कई सारी बीमारियों को फैलाने का भी काम करता है अब सबसे पहले हम आते हैं मार्फोलॉजी पर तो काक्रोच की अगर हम बात करें तो काक्रोच की जो स्पीसीज हमारे सिलेबस में दैट इज पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ठीक है और अगर हम इसकी बात करें तो मेल के केस में विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एबडोम इन मेल मेल के केस में जो विंग्स होते हैं पंख होते हैं वो एब्डोमेन के बाद तक पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है द बॉडी ऑफ द काक्रोच इज सेगमेंटेड सेगमेंटेड तो होगी क्योंकि एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा क्वारेटा में सेगमेंटेशन होगा डिविजिबल इंटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन हेड हेडथोरैक्स और एब क्या कोई बता सकता है कि हेमी क्वारेटा की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड और उनके नाम भी बताने हैं आपको साथ में ठीक है, ट्वेंटी सेगमेंट इसकी बॉडी में पाए जाते हैं ठीक ट्वेंटी सेगमेंट एम्ब्रियोलॉजिकली छह हेड में होते हैं तीन थोरेक्स में और ग्यारह एबडोम में होते हैं लेकिन एडल्ट में ऑल सेगमेंट ऑफ हेड फ्यूज टू फॉर्म वन सेगमेंट एंड टेन सेगमेंट रिटेन्ड इन एबडोम तो एडल्ट के केस में हेड में एक सेगमेंट हो जाएगा थोरेक्स में तीन हो जाएंगे और एबडोमिन में दस सेगमेंट होंगे द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई ए हार्ड काइटनेस एक्सो स्केलेटन जो ब्राउन कलर का होता है इसीलिए कांक्रोच ब्राउन कलर का दिखाई देता है बिल्कुल सही है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक ये तीन पार्ट होते हैं हेमी कॉडेटा की बॉडी में बिल्कुल सही है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक प्रियंका वर्मा विवेक अंकेत बिल्कुल सही आंसर है बेटा चलिए अब देखिए हर सेगमेंट में बॉडी में जितने भी सेगमेंट पाए जाते हैं एक्सो स्केलेटन हैज हार्ड एंड प्लेट कॉल्ड में term यूज करते हैं और वेंट्रल साइड में स्टर्नाइट टर्म का यूज करते हैं और ये टर्गाइट और स्टर्नाइट जो होते हैं आपस में ज्वाइंटेड होते हैं एक मेंब्रेन के द्वारा जिसे आर्टिकुलर मेंब्रेन या आर्थ्रोडियल मेंब्रेन कहा जाता है आर्थ्रोपोडा है तो इसलिए आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है ये आपको एक फिगर दिया गया है यहां पर जो हेड होता है हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप हेड ट्रायंगुलर शेप में होता है लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लोंगिट्यूडनल बॉडी एक्सिस हेड ट्रायंगुलर यानी तिकोना हेड होता है इस तरह का और बॉडी के परपेंडिकुलर पाया जाता अभी आपने पढ़ा कि हेड इज फॉर्मड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट ठीक है एंड सोच ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक इसकी नेक फ्लेक्सिबल होने की वजह से यह ज्यादा डायरेक्शन में देख सकता है इसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है हेड इज कवर्ड बाई स्लरिट्स इन एडल्ट ऑल स्केट ऑफ हेड आर फ्यूज टू फॉर्म हेड कैप्सूल इन कॉक्रोच हेड चलो छोड़ो ये सब काम की बातें पढ़ते हैं ठीक है अब हेड की बात करें तो यहां पर एक पेयर कंपाउंड आई पाई जाती है एक पेयर एंटीना पाए जाते हैं माउथ है यहां पर एंड माउथ पार्ट पाए जाते हैं यहां पर ये यह आपको कांक्रोच के माउथ पार्ट दिखाए गए हैं लैब्रम दिखाया गया है मैंडबिल दिखाए गए हैं ना मैक्सिला दिखाए गए और ये लेबियम और हाइपोफेरिंग दिखाए गए जहां पर अगर मैंडिबिल को आप ध्यान से देखें तो आपिबिल में ग्राइंडिंग और इन रीजन आपको दिखाए गए इंसिजिंग मतलब काटने वाले और ग्राइंडिंग मतलब पीसने वाले रीजन तो देखिए मैंडिबिल पेयर्ड होते हैं और मैक्सिला पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं बाकी लेबरम हाइपोफेरिंग्स और जो लेबियम है ये सिंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं ठीक सिंगुलर स्ट्रक्चर होते हैं यहां पर देखो क्या लिखा है माउथ पार्ट कैसे हैं बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट पाए जाते हैं लेबरम को अपर लिप कहा जाता है लेबियम को लोअर लिप के नाम से जाना जाता है ठीक है लेब्रम अपर लिप और लेबियम जो होता है ये लोअर लिप के नाम से जाना जाता है आज ये क्वेश्चन मैंने सुबह कराया था कि स्लाइवरी डॉक्रोच ओपन एट हाइपोफेरिंग्स ठीक है और टंग की तरह काम करती है हाइपोफेरिंग्स टंग की तरह काम करती है मैंडबिल की अगर बात करें तो मैंडबिल का, का काम होता है ग्राइंडिंग एंड मेस्टिकेशन ठीक है ये खाने को कट करने का ग्राइंड करने का और मैस्टिकेट करने का, का काम करता है तो काक्रोच के माउथ पार्ट को आपने देखा कि बाइटिंग एंड शिविंग टाइप के माउथ पार्ट होते हैं थोरैक्स में तीन पार्ट होते हैं थोरैक्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है जिनको कहते हैं प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स बाई ए शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक और नेक की वजह से ही हेड में मोबिलिटी काफी ज्यादा होती है लेकिन नेट नेक एक्चुअली एक एक्सटेंशन है किसका प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन होता है अब हर थोरेसिक सेगमेंट से एक पेयर वॉकिंग लेग निकलते हैं और तीन थोरेसिक सेगमेंट है इसीलिए तीन पेयर लेग हो जाएंगी तो एक होंगी प्रोथोरासिक लेग जो प्रोथोरेक्स से निकलेंगे जो मीजो से निकलेंगे निकलेंगी लेग और जो मेटाथोरेक्स से निकलेंगे उन्हें मेटाथोरे लेग कहा जाएगा इसलिए काक्रोच में ट्राइपीडल लोकोमोशन हम लोगों में कौन सा लोकोमोशन है बताइए ऑल द थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर ठीक तो काक्रोच में ट्राइपीडल लोकोमोशन होता है हम लोगों में किस तरह का लोकोमोशन पाया था बताइए जल्दी से अब विंग दो पेयर होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ विंग एराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड सेकेंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स विंग्स आर एबसेंट फ्रॉम प्रोथोरेक्स प्रोथोरेक्स से विंग एराइज नहीं करते हम लोगों में बाईपीडल लोकोमोशन पाया जाता है ठीक बाईपीडल लोकोमोशन प्रेजेंट होता है अब देखिए जो फोर विंग्स या मीजोथोरैसिक विंग है इन्हें टेगमिना या इलेक्ट्रा या विंग कवर कहा जाता है दीज आर ओपेक डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हैंड विंग विन एट द रेस्ट फोर विंग का काम उड़ने में नहीं है द हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस यानी पतले होते हैं एंड आर इन फ्लाइट हाइंड विंग फ्लाइट में उड़ने में सहायक होते हैं जो फोर विंग यानी मीजोथोरासी विंग होते हैं उन्हें सुरक्षित करते हैं प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कवर करने का काम करते हैं इसलिए इन्हें विंग कवर कहा जाता है ठीक है फोर विंग को विंग कवर का नाम दिया जाता है क्योंकि ये उड़ने में सहायक नहीं होते हैं अब देखिए करें मेटा थोरैसिक विंग फॉर्म द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डायमोर्फिज्म इन फीमेल दिज विंग एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ एब्डोमेन वाइल इन मेल दिज विंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन यही बात शुरुआत में मैंने बताई थी कि मेल में जो विंग होते हैं वो एब्डोमेन के बाद तक एक्सटेंड करते हैं एबडोमिन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ टेन सेगमेंट थोरैक्स हो गया थोरेसिक रीजन में विंग और लेग निकल आए अब एबडोम रीजन की बात करते हैं दोनों में दस सेगमेंट होते हैं। लेकिन फीमेल में ओनली सेवन एंड मेल ओनली नाइन सेगमेंट आर डिस्टिंक्ट एकदम क्लियर नजर आते हैं एबडोमिन ऑफ मेल काक्रोच इज लॉन्गर देन फीमेल काक्रोच मेल बियर ए पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही काक्रोच के बारे में पूछा जाता है एनल स्टाइल का विच आर एबसेंट इन फीमेल और यही मैकेनिज्म है सेक्सुअल डायमोर्फिज्म की अच्छा कॉन्ट्रिक थेज में सेक्सुअल डायमोर्फिज्म किस तरीके से हम करते हैं बताइए एनल स्टाइल आर पेयर्ड अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन नाइन्थ एबिनल सेगमेंट ऑफ मेल काक्रोच ओनली मेल काक्रोच के प्रेजेंट होते हैं इन बोथ सेक्सेस यहां पर बेटा वो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं एस्केरिस काक्रोच दोनों में सेक्सुअल डायमोरफिज प्रेजेंट होती है हा में क्लेस्पर मेल में पाए जाते हैं और यहां पर एनल स्टाइल मेल में पाई जाती हैं हैं अब आते और anatomy में सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिवाइड होती है तीन रीजन में एक को कहते हैं फोरगट मिड गट और हाइंड गट का नाम दिया जाता है पहले फोरगट की बात कर लेते हैं जो फोर गट है इसमें क्या क्या होता है माउथ सिक्वेंस याद करना पूछा गया आपके एग्जाम में नीट में फेरिंग्स ईसोफेगस क्रॉप एंड गिजर्ड क्रॉप और गिजर्ड और किस एनिमल में पाए जाते हैं जल्दी से कमेंट करिए क्रॉप और गिजर्ड और कहां पर मिलेंगे फोर गट एंड हाइंड गट आर इंटरनली लाइन बाय क्यूटिकल बट क्यूटिकल इज एब्सेंट इन मिड गट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है क्रॉप और गिजर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखिए क्रॉप ये देखिए बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना क्रॉप जो नजर आ रहा है ये क्रॉप काफी देखिए कितना बड़ा है ये है ना क्रॉप और ये गिजर्ड आपको छोटा सा दिखाया गया जो क्रॉप है यहीं पर फूड को स्टोर किया जाता है हम लोगों में फूड कहां स्टोर होता है ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन में फूड को कहां पर स्टोर करते हैं हाँ बर्ड में बर्ड में क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है बिल्कुल सही है पेयर्ड स्लाइवरी ग्लैंड पाई जाती है पेयर्ड स्लाइवरी ग्लैंड यहां पर प्रेजेंट होती है ठीक है सिलाइवरी ग्लैंड यहां पर पाई जाते हैं ठीक है अब देखिए क्रॉप यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड ठीक है और हमारा जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक फूड को स्टोर करता है जबकि काक्रोच में क्रॉप फूड को स्टोर करने का काम करता है क्रॉप इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ये सबसे चौड़ा हिस्सा वाइडेस्ट पार्ट होता है अच्छा बताए ह्यूमन में वाइडेस्ट पार्ट क्या है एलिमेंट्री कैनाल का अब क्रॉप के बाद अगला रीजन क्या आता है गिजार्ड गिजार्ड क्या होता है गिजार्ड में पाए जाते हैं सिक्स काइटिनस प्लेट कॉल टीथ गिजर्ड बहुत इंपॉर्टेंट गिजर्ड के अंदर सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट पाई जाती है जिन्हें तीथ का नाम दिया जाता है अच्छा हमारी बॉडी में भी सबसे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट स्टमक होता है यहां पर क्रॉप सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है गिजार्ड हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल है ना तो ग्राइंडिंग का काम कौन करता है काक्रोच में ग्राइंडिंग का काम और कौन करता है दो चीजें मैंने बताई हैं दोनों नाम जल्दी से बताइए अब आते हैं मिड गट की बात करते हैं ठीक है मिड गट की अगर बात की जाए तो मिड गट में सिक्स टू एट सिक्स टू एट ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीखी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट विच सिक्रिएट डाइजेस्टिव जूस दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छह से आठ हिपैटिक सी की प्रेजेंट होती हैं जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिडगट मैक्सिला नहीं मैंडेबिल और गिजार्ड मैंजबिल और गिजार्ड ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं ठीक है मैंडेबिल और गिजार्ड ग्राइंडिंग का काम करते हैं अब देखिए एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट इस प्रेजेंट इज वन हंड्रेड टू वन फिफ्टी येलो कलर्ड मालपीजियन ट्रिब्यूल और मालपीजियन टिब्यूल का काम क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने का यानी एक्सक्रीशन करने का काम करते हैं खत्म तो फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे हिपेटिक सीकी और मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे मालपीजियन टिब्यूल होते हैं अब आते हैं हाइंड गट हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट ठीक और इसके तीन पार्ट हैं इलियम कोलन रेक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है इलियम कोलन रेक्टम तीन पार्ट होते हैं यहां कोई सीकम नहीं है कोई डिओडेनम जेजुनम नहीं है है ना जैसे हम लोग अपने बॉडी में पढ़ते हैं डिओडेनम जेजुनम इलियम सीकम कॉलन रेक्टम नहीं यहां पर केवल इलियम कॉलन रेक्टम होते हैं और रेक्टम एनस के द्वारा बॉडी के बाहर की तरफ ओपन हो जाता है तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल अब आते हैं एप्टोमन की बात करते हैं एप्टोमिन नहीं ये तो आपका है सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अब आर्थ्रोपोडा में बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है खत्म है ना ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और यहां पर जो ओपन स्पेसेस पाए जाते हैं उन्हें हीमोसील का नाम दिया जाता है सबसे खास जो बात है ठीक है यहां पर ब्लड हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन कुछ नहीं होता है सो इट इज कलरलेस एंड कॉल्ड यहां ब्लड को हीमो कहते हैं और हीमो के अंदर कलरलेस प्लाज्मा और हीमोसाइट पाई जाती है यहां कोई आरबीसी नहीं यहां पर हीमोसाइट प्रेजेंट होती है ड्यू टू एबसेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड हैज नो रोल इन रेस्पिरेशन ब्लड सेल आर फेगोसेटिक इन नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसेक्ट के इंसेक्ट के ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है इसे हीमोलिम्फ कहा जाता है हर्ट की अगर बात की जाए तो इनका जो हर्ट होता है बेटा इनके हर्ट में थर्टीन चैम्बर प्रेजेंट होते हैं ठीक थर्टीन चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है थर्टीन चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट होता है हमारा हर्ट कितने चैंबर का है? चार का है इनका थर्टीन चैम्बर का थर्टीन चैंबर्स जिनमें से पहले तीन चैंबर जो होते हैं वो थोरेसिक सेगमेंट में होते हैं और बाकी जो दस चैंबर होते हैं रीजन में होते हैं भाई एबडोम सेगमेंट दस होते हैं सेगमेंट हो सेगमें में तीन चैम्बर हो गए और एबडोम सेगमेंट में दस चैंबर हो गए थर्टीन चैम्बर यहां पर हो जाएंगे हर्ट ऑफ काक्रोच इज न्यूरोजेनिक ठीक है न्यूरोजेनिक का मतलब यह है कि हर्ट बीट को नर्व इंपल्स के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है या जनरेट किया जाता है हमारा हार्ट कैसा है जल्दी से आप बताइए देयर आर ट्वेल्व पेयर ऑफ ट्राइंगुलर एलरी मसल्स आर प्रेजेंट बारह पेयर एलरी मसल्स यहां पर प्रेजेंट होती हैं फिगर आपको दिखाई गई है देखिए ये एलरी मसल आपको दिखाई गई है ना ये एलरी मसल है और ये चैंबर है तो थर्टीन चैम्बर होते हैं ट्वेल्व पेयर एलरी मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड डो नॉट प्ले एनी रोल इन द रेस्पिरेशन एट इज नॉट हैव हीमोग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन नहीं यहां पर अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं ट्रेकियल सिस्टम पाया तो आप पहले से जानते हैं ना हाँ हमारा हर्ट होता है मायोजेनिक मायोजेनिक हर्ट ट्रैकिया पाए जाते हैं तो ट्रेकिया ओपन थ्रू टेन पेयर ऑफ ये टेन पेयर इंपॉर्टेंट टेन पेयर ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पाइरेकल तो ट्रेकिया एनवायरमेंट में ओपन करते टेन पेयर स्पाइरेकल के द्वारा और जो स्पाइरेकल होते हैं ये हमारे नोस्टिल के इक्विवेलेंट होते हैं स्पाइरेकल नोस्टिल के इक्विवेलेंट होते हैं टेन पेयर टोटल स्पाइरेकल है शुरुआत के दो पेयर थोरैक्स में पाए जाते हैं और एट पेयर जो स्पाइरेकल होते हैं एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं चलो इतना काम भर का हो गया अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन कैसे होता है मालपीजियन टिब्यूल के द्वारा ठीक मालपीजियन टिब्यूल मालपीजियन टिब्यूल में ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल पाई जाती हैं ठीक है और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है कांक्रोच में क्या है यूरिक एसिड होता है ठीक यूरिक एसिड और इसीलिए इन्हें यूरिकोटेलिक नाम दिया जाता है ना इनसे को यूरिकोटेलिक कहते हैं मालपीजन टिब्यूल के अलावा फैट बॉडी नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं ठीक ये भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं अब आते हैं नर्वस सिस्टम जिनका नर्वस सिस्टम होता है ये सेगमेंटली अरेन्ज गैंगलिया से बना होता है और यहां पर पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्ट कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड तो वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड यहां पर पाया था ना देखिए लिखा भी है वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज द कॉमन स्ट्रक्चर बिटवीन अर्थवर्म एंड कहां क्रोच एक्चुअली ये नॉन कॉर्डेट का फीचर होता है ठीक है नॉन कॉर्डेट का फीचर होता है द डबल वेंटल यही सबसे ज्यादा पूछा था डबल वेंटल डबल वेंटल दैट इज द वेरी गुड ठीक है वेरी गुड डबल वेंटल कोड अब देखो द हेड होल्ड ए बिट ऑफ द नर्वस सिस्टम बहुत बढ़िया सवाल ये भी नीट में पूछा गया है हेड में नर्वस सिस्टम का बहुत कम हिस्सा ए बिट मतलब बहुत कम हिस्सा पाया जाता है वाइल्ड द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ ए काक्रोच इज कट ऑफ इट विल लिव फॉर लॉन्ग वन वीक अगर इसके हेड को अलग कर दिया जाए बॉडी से तो एक हफ्ते तक कांक्रोच जिंदा रह सकता है क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम का बहुत कम हिस्सा इसके हेड में प्रेजेंट होता है अब देखो हेड रीजन में ब्रेन ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करता है सुप्राइसोजियल गैंगलियॉन दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री गैंगलिया है ना और जो सुप्राइसो फेजियल गैंगलियन है नर्व टू एंटीनी एंड द कंपाउंड एंटीनी इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द एंटीना अब आते हैं सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन क्या है एंटीनी आईज कंपाउंड आई मैग्जिलरी पैल्प लेबियल सिराई एनएलसीट्रा ठीक है कंपाउंड आई की अगर हम बात करें तो एक पेयर आई यहां पर पाई जाती है एक आई में दो हजार प्रेजेंट होती ठीक है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की कई सारी इमेज बनती जिसे मोजेक विज़न या अपोजिशन इमेज का नाम दिया जाता है विद बहुत इंपॉर्टेंट मोर सेंसिटिविटी बट लेस रिजोल्यूशन ठीक मोर सेंसिटिविटी बट बीन कॉमन ड्यूरिंग नाइट कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन तो जो मोजेक विजन इसे नॉक्टर्नल विजन कहते हैं क्योंकि ये नाइट में कॉमन होता सेंसिटिविटी ज्यादा है लेकिन रिजोल्यूशन कम होता मतलब दिखाई तो देता लेकिन क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है सिस्टम में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है ठीक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम काक्रोचेज आर डायसियस मतलब ये यूनिसेक्सुअल नेचर के होते हैं एंड बोथ सेक्सेस है वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अर्थवर्म कैसा होता है आप बताइए अर्थवर्म कैसा होता है होता है मोनोइसियस नेचर का अच्छा ह्यूमन कैसा होता है दे एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमोज ठीक है कैसे विंग मेल में के बाद तक एक्सटेंड करते हैं एनल स्टाइल केवल मेल में फीमेल में नहीं पाई जाती है ठीक है ह्यूमन कैसा है कुछ लोग ह्यूमन को बता रहे हैं मोनोइसियस अबे मोनोसियस मतलब बाई सेक्सुअल तो तुम बाइसेक्सुअल हो इतने गधे हो अपने बारे में नहीं पता है कि मोनो, मोनो कि देखो मोनो लिखे बैठे हैं हैं हद किए ऊपर वाला ऐसा बनाता ना तो ता ऐसे ताली बजा रहे होते ना लै <laughs> चलो पहले बात करते मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है टेस्टेस वास डिफरेंस इज एक्लेटरीडक्ट सेमाइनल वेजिकल, मशरूम सेप ग्लैंड आर इंपॉर्टेंट मशरूम सेप ग्लैंड सेमाइनल वेजिकल वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट फेलिक ग्लैंड एंड फेलोमियर ठीक है अब देखो अगर यहां पर देखिये काम की बातें हम कर लेते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट है जो वन पेयर टेस्टिस होते हैं कहां पर पाए जाते हैं ल सेगमेंट हर चीज आप याद कर नहीं पाओगे जितनी जरूरी बातें आपको याद करनी है मशरूम शेप्ड ग्लैंड इन्हें यूट्रीकुलर ग्लैंड भी कहा जाता है कहां पर है सिक्स टू सेवेंथ सेगमेंट ठीक है सिक्स टू सेवेंथ सेगमेंट और ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होते हैं अच्छा ह्यूमन में बता सकते हो ह्यूमन में एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी होती हैं द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गुनेपोफाइसिस और फेलोमियर बहुत इंपॉर्टेंट फेलोमियर इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया दीज आर काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अच्छा ये बताओ कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में मेल में ह्यूमन मेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है ह्यूमन मेल में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है फेलोमियर तीन होते हैं फेलोमियर तीन होते एक होता है राइट एक लेफ्ट और एक वेंट्रल होता है और जो लेफ्ट फेलोमियर होता है इसके पास स्यूडो पेनिस पाया जाता है जो कि कपुलेशन में मदद करता है ग्लैंड या इन्हें कॉन्ग्लो बेड ग्लैंड कहा जाता है ये अनपेयर्ड ग्लैंड होती ह्यूमन में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है यूरेथ्रा होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या हाल हो गया तुम लोगों का कुछ लोग कह रहे हैं टेस्टिस होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया रविंद्र कुमार यादव श्वेता पटेल राहुल वर्षा आनंद आस्तो सब गलत कर रहे हैं कुछ बच्चों ने सही बताया है नीलेश रविंद्र कुमार हाँ अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो पेनिस होता है वो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है ह्यूमन के केस में यहां पर पेनिस नहीं लेकिन स्यूडोपेनिस पाया जाता है है ना फेलोमियर जो लेफ्ट फेलोमियर है उसमें स्यूडोपेनिस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है और फेलोमियर को यहां पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया कहते हैं तो कंपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमाइनल वेजिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पर्म को सेमाइनल वेजिकल के अंदर स्टोर किया जाता है और सारे स्पर्म का को आपस में चिपका के एक बंडल तैयार करते हैं स्पर्म का जिसे स्पर्मेटोफोर का नाम दिया जाता है स्पर्म के बंडल को क्या कहते हैं स्पर्मेटोफोर का नाम दिया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज हो जाएंगी

दो लार्ज ओवरीज होती हैं जो सेकेंड से सिक्स एबडोमिनल सेगमेंट तक पाई जाती हैं। टेस्टिस कहां पे था जल्दी से लिखो बताओ टेस्टिस कहां पर था ओवरीज सेकेंड से सिक्स सेगमेंट तक है टेस्टिस कहां पर थे हाँ कुछ लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया का नाम नहीं लेते हैं बहुत बढ़िया ईच ओवरी ओरी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन टिब्यूल और ओवेरियोल एक ओवरी में आठ ओवेरियोल पाए जाते हैं और हर ओवेरियोल के अंदर एक एग डेवलप होता है ए पेयर ऑफ मैथिका इज प्रेजेंट इन द सिक्स्थ सेगमेंट देखो टेस्टिस चौथे से छठे सेगमेंट तक होते हैं ओवरीज दूसरे से छठे सेगमेंट तक हैं और अगर आप बात करते हैं स्पर्मेथिका तो ये सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। स्पर्मेथिकी क्या करते हैं स्पर्मेथिकी रिसीव स्पर्म फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग कपुलेशन। के अंदर मेल स्पर्म को स्टोर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो जाएगा एक्सटर्नल इन फीमेल जेनाइटल पाउच दर्टिलाइज एगार इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल या सिंगुलर फॉर्म में उथीका कहते हैं फर्टिलाइज को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसे उथीका कहते हैं उथीका एट एम एम लॉन्ग होता है आप या याद कर सकते हैं ठीक है उथिका एट एम एम लॉन्ग होता है और अगर हम बात करते हैं यहां पर ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस नाइन टू टेन उथिकी ईच कंटेनिंग फोर्टीन टू सिक्सटीन एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो सकते हैं नंबर ऑफ फर्टिलाइज इन उथिका इज सिक्सटीन इन टू रोज क्योंकि दो ओरी हैं एक ओरी में आठ वेरियल है तो दो ओरी में सिक्सटीन ओवेरियल हो जाएंगे 16 ओवरियल में 16 एग होंगे और 16 एग जब होंगे तो 16 एग का फर्टिलाइजेशन होगा 16 का फॉर्मेशन हो जाएगा फीमेल प्रोड्यूसेस 10 टू 40 उथिका इन लाइफ टाइम द डेवलपमेंट ऑफ पेरी प्लेनेटा

नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैंग पैड बट ओनली एडल्ट काक्रोच है विंग। स्टेज से पहले विंग पैड आ जाते हैं लेकिन केवल एडल्ट काक्रोच में ही विंग्स प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर जो स्पीसीज होती है उनका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता है ठीक ये पेस्ट की तरह काम करते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे फूड को और उसको कंटामिनेट कर देते हैं अपने एक्सक्रीटा के द्वारा अपनी फिशिस के द्वारा दे कैन ट्रांसमिट ए वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाई कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल कई सारी बैक्टीरियल डिजीजेस को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करते हैं बस खत्म हो गया तो अब इस टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे रात में आठ से दस के बीच में ठीक इसी टॉपिक के क्वेश्चन होंगे आठ से दस के बीच में आज कल की कहानी क्या है कल सुबह सात बजे एनटीए मैराथन होगा एक एन मॉक टेस्ट हम डिस्कस करेंगे कल सुबह साढ़े आठ बजे अगला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट रिवीजन हम करेंगे और कल रात में आठ से दस के बीच में स्टार्ट होगा आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का धाकड़ जहां पर हम उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ओके तो सारी चीजें आप करते रहिए जितनी चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं ऐसा नहीं कि, कि हर चीज आपको करनी ही करनी है। लेकिन आप देखिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या आपको बेनिफिट दे सकता है क्या आपके लिए जरूरी है उन टॉपिक को आप जरूर करते रहिए जो सुबह सात से क्लास होती है आपकी एन टी मैराथन उसमें आपका फुल सिलेबस कवर होता है और रात में जो आठ से दस वाली क्लास होती है धाकड़ बैच की उसमें आपका टॉपिक कवर होता है एक चैप्टर कवर होता है तो जिस मतलब हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी हम प्लान कर रहे हैं कि आपको एनटीए मैराथन या मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाए चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो चल रहे हैं लेकिन ईयर वाइज क्वेश्चन भी आपको कराए जाए ठीक है तो ठीक है जल्दी मिलते हैं बेटा ओके फिजिक्स का मैराथन ठीक है इसको भी करेंगे। दीरे दीरे प्लान करेंगे धीरे धीरे प्लांट फिजियो ह्यूमन फिजियो सब आएगा अभी धाकड़ बैच का आपका सातवां दिन है तो जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे ठीक है पूरे थर्टी एट चैप्टर में आपको कराऊंगा अभी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी ठीक है ओके बाय बाय बच्चों टेक केयर एंड लव यू